पल पल न्यूज से मैं हूं नदीम अकरम और इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और एक बड़ा उलटफेर राजनीति में देखने को मिला है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में काफी कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसी कयास पर से कल रात की जो तस्वीरें आई उससे हर कोई हैरान है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं जो AICC के मेंबर हैं और उन्हीं से जानेंगे जो ये पूरा प्रकरण रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के। तो किस तरीके से देखते हैं सर कि कहीं भी अगर बहुमत नहीं हासिल होती है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनानी है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, एक ऐसा घटना चक्र हुआ है जो हमको लगता है कि अपने आप में एक मिसाल है कि हम रात सोए थे और नींद से, और सुबह जब अखबार हम देखते हैं तो शिवसेना अलायंस और कांग्रेस NCP की सरकार बनेगी, और जैसे ही TV खोलते हैं तो देखते हैं सरकार वहाँ शपथ ले लिए हैं BJP। ये देखिए आज क्या हो रहा है इस देश में कि अपने आप को अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, तो ये ज़बरदस्ती जिसी तरह से हम सरकार कैसी भी बनाना चाहते हैं, चाहे वो गुंडागर्दी से हो, बलजोरी हो, ज़बरदस्ती हो, हम ही हम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो ये जो एक संवैधानिक ढांचा है हमारा देश का, जो एक ताना बाना है, उसमें कहीं ना कहीं हमें असर डाल रहे हैं और उस पर हम कटाक्ष कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती की जो सरकार चलने वाली होती है वो सरकार लंबी नहीं चलती है। लेकिन चूंकि उनके तरफ से फरमान है हम सब जगह कब्जा करेंगे, कब्ज़ा वहाँ करेंगे चाहे चुनाव आयोग हो, कब्ज़ा वहाँ करेंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चूँकि ED के ऊपर हो, चाहे तमाम मामला जो उनके साथ आज प्लस होता जा रहा है, एक भय का वातावरण भारत में है। लोग डर गए और डराया जा रहा है, और जनता इस बात को अब अच्छी तरह समझने लगी है कि ये शुरू से ही, जब से ही सत्ता के गलियारे में आए हैं, वो हमेशा दबाव की राजनीति करके लोगों को डरा धमका करके, अब वहाँ दिखा दिया गया कि अजीत पवार DC उनको दिमाग में आया कि अजीत पवार अगर इधर भी DC बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हम DC बनते हैं। लेकिन उनको एक ब्लैक लिस्ट दिखाया गया कि आप स्कैम घोटाला में भी आप शामिल हैं। सच्चाई है कि जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके और हम रात के अंधेरे में जब सोते हैं और सुबह फैसला देखते हैं, जहां महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन है, वहां के राज्यपाल कब चिट्ठी लिखे सरकार को और कब सरकार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग के बाद सर राष्ट्रीय राष्ट्रपति को कब लेटर गया और राष्ट्रपति शासन वहां कब हटा और 8 बजे हम दिखा दिए, क्या मजाक बना लिया है ये एक एक माने ऐसा मजाक है जो भारत अपने आप में, जो विश्व के पैमाने पर जहां एक सुरखरू था कि लोकतंत्र का ढांचा मजबूत ढांचा है, तो अब यहां लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो मुहावरा चला रहा है, उस हिसाब से हम सरकार में यहां किसी तरह से अपने आप को साबित करना चाहते हैं और वो साबित करने में साबित हो रहे हैं। हालांकि हम इस फैसले से सोनिया गांधी के बातों को सराहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए शिवसेना का साथ दिया, शिवसेना और NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का मसौदा तैयार हो गया था। तो सोनिया गांधी को हम बधाई देते हैं कि सोनिया गांधी ने BJP को रोकने का काम किया, और वहीं कहीं ना कहीं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो 35 साल का रिश्ता था, उस रिश्ते को भी हमने तोड़ने का काम करने का काम कर रहे थे कि वो एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो रही थी महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र पर चूंकि कब्जा हम करेंगे, इनका तो सिस्टम है शुरू से कब्जा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कब्जा पार्टी के रूप में रही है और कब्जा ही चला रहा है वो, और वो कब्जा अगर कर रहा है तो इस तरह से हम एक घिनौनी राजनीति समझते हैं। हरियाणा में भी सर इसी तरीके से देखने को मिला, पहले दावे किए जा रहे थे, एग्जिट पोल बकायदा मीडिया द्वारा भी चलाए गए कि महाराष्ट्र में
पार इतनी सीधी हो जाएंगी कि कोई विरोधी नहीं टिकेगा, तो हरियाणा के रिजल्ट जब जब सामने आए तो उसने चौंकाया, फिर दुष्यंत चौटाला की मदद लेनी पड़ी और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो अगले दिन जो कई सालों से उनके पिताजी जेल में थे उन्हें रिहा कर दिया जाता है। क्या ये एक डील के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आपके सामने करप्शन का मामला, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप जेल की सलाखों के पीछे छूट दिए जाएंगे, और अगर मानेंगे तो जो आपके पहले से जो घर वाले हैं जो जेल में हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। ये किस तरीके की राजनीति और ये देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, इनका इनका हर सरकार, चाहे स्टेटों में जो बना, हरियाणा की सरकार बने, महाराष्ट्र की सरकार बने, ये एक लंबे डील ही होते रहे हैं। और जनता का वोट जहाँ गया है, जिनको वोट दिया है, जनता वो परेशान है कि मैं क्यों वोट दिया। अगर आपके साथ रिश्ते थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के, तो सरकार आपको बनाना चाहिए। जब दोनों का नाइतफाकी हो रही है, तो जो तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में आ रही है, तो राष्ट्र गवर्नर उसको बुला करके आमंत्रित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या वजह आ गया कि रातारात आपकी कहानी कर दी है? उसी तरह से जैसे हरियाणा में हुआ था, ओम प्रकाश चौटाला जेल के अंदर थे और वो एक डील हुई वहाँ पे। ये ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं जानती है, उनके बेटे को बनाया गया डिप्टी सीएम और उस दूसरे तीसरे दिन वो जेल से रिहा भी हो रहे हैं। माने ये कानून है कि एक दिन में आदमी रिहा हो जा रहा है और महीनों महीनों जेल के अंदर है वो आदमी। ये बदले की भावना की राजनीति बंद करना होगा देश से। आज बदले की भावना है तो पीछे तामनाम आज जेल के अंदर बंद है। इसलिए आज हम चाहते हैं आपके माध्यम से इस देश की आवाम को बताना कि ये ज़बरदस्ती की जो राजनीति हो रही है, इस ज़बरदस्ती की राजनीति को बंद करना होगा। जनता जिसको चुनती है, उसकी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के काम के लिए आना चाहिए। आने वाले समय में सर झारखंड में भी चुनाव है, झारखंड में अमित शाह दौरा करते हैं, तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी विकास झारखंड का हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ भी झारखंड को बर्बाद किया है। क्या ये मान लिया जाए कि एक बदले की भावना ये कांग्रेस से लेकर के चल रहे हैं, हर जगह से सुपड़ा साफ करना और ये दिखाना है कि हम ही महान हैं? अटल बिहारी वाजपेयी एक शब्द नेता हमारे देश के रहे, और सच्चाई है कि उनके रिजिम में क्या हुआ नहीं हुआ ये एक अलग विषय है, लेकिन उस नाम को अगर भंजा रहे हैं लोग तो वो बेबुनियाद है, गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था देश के अंदर, उन्होंने अपना काम करने का काम किया, वो सर्वपरि नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। लेकिन आज झारखंड के अंदर जहां आदिवासियों को लगातार जेल में केस में इन्वॉल्व करके जेल में ढूंसने का काम किया जा रहा है, वो कहाँ है सच्चाई है? आज आदिवासी के साथ आपकी हमदर्दी है, वो हमदर्दी नहीं है। वो अमित शाह वहाँ भी अपना एक हालात बनाना चाह रहे हैं, तो वो किसी तरह से ये एक सिस्टम है, लेकिन झारखंड में बेनकाब हो चुके हैं। झारखंड इस बार उनके हाथ से जाने वाला है। इंतकाब आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने रातों रात जो महाराष्ट्र में खेल खेला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये साफ तौर पर तय हो चुका है कि सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाने में ये सरकार माहिर हो चुकी है। चाहे बहुमत हासिल हो या ना हो, सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज़ पर।